महाराष्ट्र में आया सियासी तूफान फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। बागी हुए एकनाथ शिंदे लगातार मजबूत हो रहे हैं। अब महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता उदय सामंत ने भी एकनाथ शिंदे का समर्थन करने का ऐलान किया है। उदय सामंत शिंदे खेमे में जाने वाले 8वें मंत्री हैं। आपको बता दें, शिंदे पार्टी के 38 विधायकों और 9 निर्दलीय विधायकों के साथ 22 जून से गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे हुए हैं। इस बीच गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें शिवसेना विधायक का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस दौरान सभी बागी विधायक और मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि गुवाहाटी के होटल में महाराष्ट्र के भंडारा के विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने केक खिलाकर और फूलों का गुलदस्ता भेंट कर विधायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें, रविवार को एक बार फिर से एकनाथ शिंदे खेमे की बैठक हुई है। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि विधायक कैसे सुरक्षित मुंबई पहुंचे। इसके अलावा अगले 2 दिनों में सरकार बनाने का दावा और कानूनी पहलुओं पर भी बैठक में चर्चा हुई है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को बागी विधायकों को विधायक पद से इस्तीफा देने और नए चुनाव का सामना करने की भी चुनौती दी है। इसके साथ ही राउत ने कहा कि जो लोग पार्टी में वापस आना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं। शिवसेना नेता ने यह भी कहा कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस वाले सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी किसी भी तरह से राजनीतिक संकट से बची रहेगी। संजय राउत ने कहा कि मेरी बागी विधायकों को खुली चुनौती है कि वो इस्तीफा दें और फिर से मतदाताओं से नया जनादेश प्राप्त करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।